तो मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये कहावत सटीक बैठती है हल्द्वानी की रहने वाली दिव्यांग महिला सुमन लता पर। महिला दिवस पर सुमन लता की बात करनी जरूरी है। दरअसल सुमन ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है। आज दिव्यांग सुमन कई बेरोजगार महिलाओं को हुनरमंद बना रही है। सुमन लता पांवों से लाचार है, लेकिन दूसरी बेसहारा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई से लेकर ब्यूटी पार्लर का काम सिखाती है। महिला दिवस पर सुमन लता के हौसलों को सलाम है। महिला सशक्तिकरण के दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार को अपना कर स्वयं का और अपने परिवार का भरण पोषण करे और साथ में और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करें स्वरोजगार के लिए। तो सर, महिलाओं को आगे निकलना भी चाहिए सर। महिलाएं घर के साथ साथ बाहर को भी संभाल रही हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि महिलाएं मतलब घर के साथ साथ बाहर के कामकाज को भी कर।